हरपाल सिंह प्रिंसीपल है ना, उन्होंने वो मतलब कि अश्लील हरकत करते बेटिया के नाल, कि जो अज बेटी के नाल होया मैं वो बयान नहीं कर सकती कि बहुत गलत होया। मैं चाहनी हाँ कि होर किसी कुड़ी के नाल इस तरह हरकत ना हो, गंदे प्रिंसीपल नूं स्कूल दे विचों कढ़िया जावे। इस प्रिंसीपल के कारण स्कूल भी गंदा हो रहा, बच्चे भी बेडरे हो रहे हैं, तो क्योंकि बच्चों फिर खुल मिलती है जो सर आप गंदा है तो फिर बच्चे भी वह हरकत करते हैं। कुड़ी नूं अंदर बुला लिया जी, मेरे मुंडे नूं घल्लिया, आंदा वी तू जा, ते मगरों आंदा कुड़ी नूं तू आया कर मेरे कोले, तू आउंदी क्यों नहीं। ते गलबात मूवी भी वेखी आ, रिकॉर्डिंग भी उहदी हैगी आ, माफ़ी मंगदे दी जी। स्कूल दे बाहर खड़े लोग एक धी नूं इंसाफ दवाउण लई स्कूल दे बाहर इकट्ठे होए ने। खबर इंसानियत नूं शर्मसार कर देण वाली है। मामला मुक्तसर साहिब दे पिंड तों सामने आया, जिथो दे एक सरकारी स्कूल च 11वीं जमात च पढ़दी विद्यार्थन ने स्कूल दे प्रिंसीपल ते छेड़छाड़ दे इल्जाम लगाए ने, जिस तों बाद परिवारिक मैंबरां समेत पिंड दे लोकां ने स्कूल दे बाहर पहुंच के हंगामा कीता अते प्रशासन तों इंसाफ दी मंग कीती। पीड़ता दे परिवारिक मैंबरां दा कहना है कि प्रिंसीपल नूं सख्त तों सख्त सजा दित्ती जावे तां जो अजिही मंदभागी घटना किसे होर नाल ना वापर सके। उधर पुलिस अधिकारी दा कहना है कि बयानां दे आधार ते मामला दर्ज कर लिया गया अते जांच कीती जा रही है अते दोषी पाए जाण ते सख्त सख्त कारवाई कीती जावेगी। बस मैं जो लिखिया बस ओही मेरे बयान मन्ने जाण। मैं कल ब्रदर आया मेरे कोल ते मैं ब्रदर नूं छुट्टी दवानी सी, मेरे कोल आया मैनूं कहिंदा वी छुट्टी दवा दे है ना, ते मैं छुट्टी दवाउण चली गई। पहला मैं सर कोल गई, ओह मैनूं कहिंदे वी उन्होंने साफ मना करता, कहिंदे नहीं देनी छुट्टी। फिर मैं डीपी सर कोल गई, डीपी सर कहिंदे वी तूं प्रिंसीपल सर तों छुट्टी लै ला है ना, ते मैं प्रिंसीपल सर कोल गई ते सर ने मनिंदर नूं तां मेरे ब्रदर नूं तां छुट्टी देती, मैनूं कहिंदे तूं इत्थे ही रुक जा, बाकी मैं लिखता गा वो बस तुसीं वेख लो है ना, मैं इसी कि मैं ये बयान नहीं कर सकती है ना, ते बस वही मेरे बयान वो मन्ने जाण ते सर नूं सख्त सख्त सज़ा दित्ती जावे। बस मैं पहला भी कई बार होया है ना, मैनूं जदों मम्मा ने दस्या भी इदा हरकतां होण तां भी ये गलत टच आ है ना, ते फिर मैनूं जदों दस्या फिर मैं मम्मा नूं कहा भी मम्मा ये बहुत चिर तो हो ही जांदा, फिर मम्मा ने मैनूं कहा जदों होया हुण तां मैनूं दस दी, ते कल जदों होया मैं ब्रदर नूं कहता सी भी घरे दस दी है ना, ते फिर मेरे डैडी नूं आके दस्या ते मेरे डैडी आए सी फिर कल, ते भी उन्होंने प्रिंसीपल सर नाल गल कीती। ओह 2014 तों लगे होए आ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੰਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੇਡਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰ ਆਪ ਗੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਹਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਕੂਲ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਉਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਨਰਕਿਆ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਆ ਨਾ ਸਕੂਲ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਲ ਕੁ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਕੱਲਾ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਇਹ ਗੰਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੰਦ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਬਸ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ
कि अगे तो किसी भी कुड़ी यहोजा ना हो जरूर सख्त तो सख्त सज़ा मिले तो इनू इस स्कूल कढ़िया जाए तो बाकी जो स्टाफ है मैं उन्हें अगे रिक्वेस्ट करती हाँ कि अगे तो स्कूल वधिया तो सही ढंग दे नाल तुरिया जाए जो बनती कार्रवाई है वो की जाए बस मेरी यही मंग है। प्रिंसीपल जी छेड़छाड़ करता जी वो कारण असी ये काम शुरू किया जी तो मुद्दा खड़ा किया सानू 5-7 वारी भी इन्हें छेड़छाड़ की कुड़ियों नाल जी तो किसी कुड़ियों ने दस्या नहीं स्टाफ ने किसी नू भी तो मेरे घर जाके मुंडे ने दस्या तो मुंडे ने जाके दस्या तो मैं उदों ही आ गया तो मास्टर नाल फिर गलबात की तो सारा कुछ वेख्या तो गलबात मूवी भी वेखी है रिकॉर्डिंग भी उहदी हैगी आ माफ़ी मंग दे दी जी ठीक है जी तो उदों मुड़ के असी वीडियो वेखी आ के 3 मिनट की रिकॉर्डिंग हैगी आ जिथे विच कैमरे च जिहड़ा इहदा पीए रख्या जी वह भी उन्ने टाइम च बाहर गया सीगा जी तो कुड़ी नूं अंदर बुला लिया जी मेरे मुंडे नूं घल्लिया आंदा वी तू जा तो मगरों आंदा कुड़ी नूं तू आया कर मेरे कोले तू आउंदी क्यों नहीं आ गल्लां होईआं जी। मंग जी इंसाफ भालदे आ जी इत्थों नौकरी तो लै जे तो एक नूं सख्त सख्त सज़ा मिले जी। सर की मामला है जिहड़ा अज लड़की नाल छेड़छाड़ दा सामने आया? साढ़े को सुबह एक पिंड चो फोन आया सी भी किसी लड़की के नाल स्कूल हेडमास्टर ने बदतमीजी की है। मैं तुरंत उत्थे साडे ड्यूटी अफसर पुलिस पार्टी भेजती सी पुलिस पार्टी ने उत्थे जाके जो भी हालात से उन्होंने कंट्रोल कर लिया सी ते जिहड़ी पीड़ित धिर है वो आ रहे साडे कोल इत्थे लेडी सब इंस्पेक्टर नूं असीं बुलाया तो जो बयान देंगे वो मुताबिक असं कार्रवाई अमल लियाँगे तो अगे तफ्तीश के जो भी पाया जाऊगा उस अनुसार अगली कार्रवाई अमल लिया। इनकुआरी नहीं जी सारी इनकुआरी तो आप लावे सानू अज पता लग्या सीगा कि प्रिंसीपल जो है स्कूल के उन्होंने वालों किसी बच्चे छेड़छाड़ की गई है वो शिकायत प्राप्त हुई थी जिदे करके जो सवेरे मैं स्कूल लगन के टाइम लगभग 9 बजे तो पहले ही इतने आ गया उदों पिंड के सारे ही मोहतवर बंदे जिन्हें भी पेंडे थे उन्होंने सारे स्कूल के अगे खड़े थे स्कूल में ताला लग्या उन्होंने वालों शिकायत की गई है बच्चे ने भी असं बुलाया कि जिद नाले छेड़छाड़ी की घटना हुई है उन्हें लिखती बयान भी दिते है तो प्रिंसीपल साहब जोड़े वो अब स्कूल के नहीं आए यह भी हम इनकुआरी करवा के जो उन्होंने दोष स्थापित होंगे वो मुताबिक उन्होंने कार्रवाई की जाए। साड़ी नॉलेज के सानू किसी तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई इन्होंने 2014 तो पहली शिकायत भी अभी सू प्राप्त हुई है। स्टाफ मैंबर ने कहने के मुताबिक उन्होंने ग्रुप के मेडिकल छुट्टी आपकी अपलाई की है तो दसिया कि मैं बीमार हाँ मैं नहीं आ सकता बाकी पड़ताल तो बाद पता लगेगा। लड़की के परिवार वाले उसकी माता उसके पिता जी इतने आए थे जो शिकायत है वो लड़की वालों दी गई पुलिस ने सूचित करता कि पुलिस वाले इतने आए थे वो मौका दे गए बयान भी लेके गए है वो आपकी बनती कानूनी कार्रवाई करेंगे तो साढ़े को विभागी कार्रवाई है असं ये इनकुआरी ला के जे इनकुआरी दोष साबित होंगे तो फिर विभागी कार्रवाई शुरू की जाएगी। हुण तुसी देख सकते हो ग्लोबल पंजाब टीवी नू डाउनलोड करो साडी ऐप एंड्रॉयड जा iOS ते फ्री विच रोकू अते Amazon Fire TV ते जा Apple TV ते नाल ही देख सकते हो लाइव स्ट्रीमिंग www.globalpunjabtv.com ते।